हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत सारी पढ़ाई भी करते होंगे, पौष्टिक खाना खाते होंगे और बहुत अच्छे बच्चे होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में बाय तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय अमित पब्लिकेशंस। आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 5, जिसका शीर्षक है, पाठ का नाम है हमारे त्योहार, यानी कि फेस्टिवल, जिन्हें हम बहुत धूमधड़ाके से मनाते हैं। दिए गए चित्र से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दो। देखो, एक बच्चों हम लोगों ने देखा ये क्या बना हुआ है। ये एक लेडी है, एक औरत है, पुरुष है और एक स्त्री है, और ये लोग ढोल बजाकर भांगड़ा कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है इन्होंने पगड़ी भी बांधी हुई है। तो ये तो मुझे एक पंजाबी समुदाय के लोग लग रहे हैं, जो कि ढोल बजा के भांगड़ा कर रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इस त्यौहार का नाम क्या है? जी हाँ, इस त्यौहार का नाम है बैसाखी, क्योंकि यहाँ पे पीछे हमें गेहूं की फसलें भी दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये बैसाखी का त्यौहार मना रहे हैं। और इस त्यौहार पे क्या किया जाता है बच्चों? इस त्यौहार पे खूब सारा ढोल बजता है, भांगड़ा करते हैं, लेडीज़ गिद्दे गाती हैं, और ये इसमें जगह जगह जो होते हैं लंगर व चलते हैं, गुरुद्वारों में जो होती है वह बहुत सारी वहाँ पे पूजा की जाती है, लोग प्रार्थनाएँ करते हैं और खूब हंसी खुशी ये वाला त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को, ये त्यौहार कौन से मास में मनाया जाता है बच्चों? ये त्यौहार अप्रैल के मास में मनाया जाता है, जब रबी की फसल जो होती है पककर तैयार हो जाती है। और इस त्यौहार का मूल उद्देश्य क्या है? इस त्यौहार का मूल उद्देश्य, फसलें पक चुकी हैं, चारों तरफ खुशी का वातावरण है, और गुरुद्वारे में पूजा भी हो रही है, भंडारे भी चल रहे हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं, ठीक। और ये ज़्यादातर पंजाब हमारा जो राज्य है वहां पर मनाया जाता है। पाठ प्रवेश। त्योहार हमारे जीवन में समृद्धि, आनंद और एकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक त्योहार को मनाए जाने के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। पाठ में इन सभी कारणों का उल्लेख करते हुए त्योहारों के विषय में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले कौन सा त्योहार की जानकारी दी है, आइए शुरू करते हैं। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों, जातियों एवं संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यहाँ अनेक त्यौहार जैसे होली, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरुपूरब, गणेश चतुर्थी, पोंगल, बैसाखी आदि अत्यधिक उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। इतने सारे त्यौहार हमारे देश में अत्यधिक उत्साह के साथ और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। ये सभी त्यौहार हमें घृणा और परस्पर बैर भाव को मिटाकर प्रेम और सद्भाव से रहने का संदेश देते हैं। आइए, बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सभी के मन में उमंग उत्साह का संचार करने वाले कुछ त्यौहारों के विषय में जानते हैं कि ये त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कौन सा त्यौहार आया? सबसे पहले होली का त्यौहार। ये देखिए चित्र में कितने बच्चे रंग बिरंगी होली खेल रहे हैं। होली को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है, है ना, रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसे मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा, यानी कि बहुत पुरानी कथा प्रचलित है। कहते हैं कि असुरों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था और भगवान विष्णु का नाम लेने वालों पर बहुत अत्याचार करता था। किंतु उसी का पुत्र प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था, वो विष्णु जी को बहुत पूजा करता था, वह हर समय भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अनेक बार प्रहलाद को भगवान विष्णु का नाम लेने के लिए मना किया, किंतु प्रहलाद नहीं माना। अंत में हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया बहुत, और उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसके कहने पर उसकी बहन होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, किंतु ईश्वर की कृपा से प्रहलाद जीवित बच गया और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से प्रहलाद के जीवन के जीवित बचने की खुशी में यह प्रतिवर्ष ये त्यौहार मनाया जाता है।
इस दिन घरों में अनेक प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। रात को होलिका दहन किया जाता है, जिसमें गेहूं की बाली को भूनकर उसका प्रसाद बांटा जाता है और अगले दिन बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। सभी लोग अपना बैर भाव छोड़कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भरकर सभी पर डालते हैं। इस प्रकार ये त्योहार मौज मस्ती और उमंग से भरा होता है। और अब हम चल रहे हैं हमारा दूसरा त्योहार रक्षाबंधन। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं तथा उनकी लंबी आयु व सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इतना ही नहीं, भाई भी अपनी बहनों को उपहार देते हैं तथा उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। दशहरा। दशहरे का त्योहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण का संहार करके अपनी पत्नी सीता को उसके बंधन से मुक्त कराया था। तभी से प्रत्येक वर्ष ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार से कई दिन पहले ही गांव और शहरों में रामलीला प्रारंभ हो जाती है तथा मुख्य त्योहार पर एक बड़े मैदान में मेला लगता है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद के विशाल काय पुतले जलाए जाते हैं। अब कौन सा त्योहार है? अब है दीपावली। और हम आपको दीपावली के बारे में बताते हैं। दीपावली को प्रकाश का त्योहार भी व दिवाली भी कहते हैं। बच्चों, इसको दिवाली तो कहते ही हैं, दिवाली दीपावली, लेकिन इसको हम प्रकाश का त्योहार भी यानी कि रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। ये त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या वापस आए थे। इसी खुशी में समस्त अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। जैन धर्म के लोग दीपावली को भगवान महावीर के निर्वाण के रूप में भी मनाते हैं। दीपावली के त्योहार पर सभी लोग अपनी अपनी दुकानों तथा घरों को साफ करके दियों और बिजली के बल्बों से सजाते हैं। घरों में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां तथा पकवान बनाए जाते हैं। रात को लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजन के पश्चात सभी लोग अपने परिजनों एवं पड़ोसियों को उपहार तथा मिठाइयां देते हैं। बड़े लोग मिलकर और बच्चे लोग मिलकर क्या करते हैं? बड़े और बच्चे आतिशबाजियां चलाते हैं। आप लोग पटाखे चलाते हैं ना, तो आतिशबाजी चलाते हैं। और अब हम कौन सा त्योहार करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं ईद का त्योहार। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्योहार होता है। ये रमजान के पवित्र महीने के बाद आता है। मुस्लिम लोग रमजान के पूरे माह रोजे रखते हैं तथा माह के अंत में चांद के दिखने पर यह त्योहार मनाते हैं तथा माह के अंत में जब चांद दिखता है उन्हें, तब वे इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन प्रातःकाल ईदगाह में विशेष नमाज अदा की जाती है तथा बाद में सभी गले मिलकर एक दूसरे को क्या करते हैं? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक की मुबारकबाद देते हैं। और ईद के दिन सब लोग क्या करते हैं? नए नए कपड़े पहनते हैं, गले मिलते हैं, सेवइयां बनती हैं इनके घर, और जो सरब सब लोग परस्पर मिलकर बांट कर खाते हैं। तो हमें पता चला कि ईद में मुस्लिम भाई लोग क्या करते हैं। और अब हम चल रहे हैं कौन से त्योहार पर? क्रिसमस के त्योहार पर। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को बड़े दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसी दिन चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन होता है। लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री को तरह तरह के खिलौने, झालरों आदि से सजाते हैं। बच्चों, आपने भी देखा होगा क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, और आप लोग के दोस्त भी करते होंगे, और हो सकता है आप लोग भी करते हो। क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, उसमें झालर लगाते हैं, उसमें छोटे छोटे बल्ब भी लगाते हैं, और उसमें छोटे छोटे हम उपहार भी उसके ऊपर क्रिसमस ट्री पे लगाते हैं और उसको खूब अच्छे से सजा देते हैं। तो क्रिसमस ट्री को तरह तरह के खिलौनों, झालरों आदि से सजाते हैं तथा
केक बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार पर सेंटा क्लॉज रात के समय बच्चों को सुंदर सुंदर उपहार देने आते हैं। ये देखो हम चित्र में देख रहे हैं ना कि सेंटा क्लॉज आए और बच्चों को उपहार दिया, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। और अब हम चल रहे हैं कठिन शब्द। अत्यधिक श्रावण प्रतिवर्ष संस्कृति समृद्धि पौराणिक हिरण्यकश्यप कुंभकर्ण क्रिसमस ट्री प्रहलाद निर्वाण सेंटा क्लॉज रमजान बल और नमाज। और अब आ रहे हैं हमारे शब्दार्थ यानी कि कठिन शब्दों के अर्थ। उमंग का अर्थ है उल्लास, घृणा का अर्थ है नफरत, संचार का अर्थ है फैलाना, पौराणिक यानी कि पुरानी, संकल्प का अर्थ है प्रतिज्ञा, विशाल काय यानी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, प्रकाश रोशनी, वनवास वन में रहना, निर्वाण मुक्ति, मुबारकबाद यानी शुभकामनाएं, संहार करना यानी कि मरना। बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, हमसे सबसे पहले पूछा गया है अपने पसंदीदा त्योहार पर प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने विचार प्रकट करो। तो बच्चों आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है ये आप बताइएगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे तो होली पसंद है, रंग बिरंगी होली, जिसमें हम सब बच्चों सबको आपस में क्या करते हैं, रंग बिरंगे सबके गाल पे गुलाल लगाते हैं और गुजिया भी खाते हैं और बहुत सारे पकवान खाते हैं। तो मुझे तो होली पसंद है, आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा त्यौहार पसंद है। अब हमसे पूछा गया कि दशहरा कब और क्यों मनाया जाता है। बच्चों दशहरा अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी वाले दिन मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, दीपावली का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है उस दिन राजा रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे और इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तो इसीलिए हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। और अब है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो हमारा सही विकल्प में क्या है, सबसे पहले होली का त्यौहार फागुन मास की किस तिथि को मनाया जाता है, अमावस्या को, चतुर्थी को, पूर्णिमा को या एकादशी को। होली का त्यौहार पूर्णिमा को मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम क्या था, प्रहलाद रामानुज ध्रुव या पद्मिनी। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम था प्रहलाद, तो मैंने उसके आगे निशान लगा दिया। जैन धर्म के लोग दीपावली को किसके निर्वाण के रूप में मनाते हैं, आदिनाथ महावीर पार्श्वनाथ या द्रोणाचार्य। वो मनाते हैं महावीर जी के नाम के में निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है जैन धर्म के लोग। ईद का त्यौहार कौन से महीने के बाद मनाया जाता है, ईद का त्यौहार रमजान के माह के, होली के या जून के। ईद का त्यौहार रमजान के माह के बाद मनाया जाता है। और अब पूछा है ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 14 मार्च, 25 जनवरी, 25 नवंबर या 25 दिसंबर। ईसा मसीह का जन्म हुआ था 25 दिसंबर वाले दिन। तो अभी हमने क्या किया, हमने सही विकल्प के आगे सही के चिन्ह लगाए। और अब हमसे पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें करनी है रिक्त स्थानों की पूर्ति। होली को क्या कहते हैं, होली को भी कहते हैं, क्या कहते हैं होली को, रंगों का, होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। दीपावली को प्रकाश का त्योहार वा, और क्या कहा जाता है, दिवाली। दीपावली को प्रकाश का त्योहार वा दिवाली भी कहा जाता है। कहते हैं ईद किसका प्रमुख त्योहार है, ईद मुस्लिम्स का, ईद मुस्लिम्स का बहुत प्रमुख त्योहार है। और ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है, ईसाइयों का कौन सा प्रमुख त्यौहार है, क्रिसमस, जिसमें सेंटा क्लॉज आके रात को बच्चों को गिफ्ट देते हैं। तो क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। अब वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। दीपावली रंगों का त्यौहार है, जी नहीं, दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार तो होली है।
दशहरे के त्यौहार में रावण का पुतला जलाया जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही। दीपावली की रात को लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है, बिल्कुल सही। ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार ईद है, जी नहीं, ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार क्रिसमस है। तो हमने सही और गलत के आगे चिन्ह लगा दिए और अब हमसे पूछा गया है सही मेल मिलाओ, हमें करेक्ट मैचिंग करनी है, सही मेल मिलाने हैं। तो होली को हमने क्या कर दिया, होली को हमने कर दिया रंगों का त्यौहार। दीपावली, दीपावली को हमने कर दिया कार्तिक मास मुसलमान, ईद और 25 दिसंबर ईसाइयों का, हमने इनको सही मेल से मिला दिया। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। भारत त्योहारों का देश है, स्पष्ट करो। जी हाँ, भारत हमारा देश जो है वो त्योहारों का देश है। यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार, बहुत रंग बिरंगे त्यौहार होते हैं, हर तरह के त्यौहार होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा दीपावली, होली, ईद, पोंगल और भी रक्षाबंधन, दशहरा। तो सही में हमारा देश जो है वो त्यौहारों से भरा हुआ त्यौहारों का देश होता है। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को क्यों मारना चाहता था? हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को क्योंकि वह स्वयं को भगवान कहता था, वो कहता था मेरी पूजा करो। लेकिन उनका पुत्र जो था हिरण्यकश्यप, उनका पुत्र जो प्रहलाद था वो भगवान विष्णु का भक्त था, वो भगवान विष्णु की पूजा करता था, इसलिए हिरण्यकश्यप उसको मारना चाहता था। ईदगाह में विशेष नमाज अदा करने के बाद क्या होता है? ईदगाह में विशेष नमाज अदा करने के बाद सारे मुस्लिम भाई आपस में गले मिलते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर में सेवैयाँ बनती हैं और बिल बांट के खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। क्रिसमस के त्यौहार के विषय में लोगों की क्या मान्यता है? इस त्यौहार के बारे में लोग कहते हैं कि उस दिन 25 दिसंबर वाले दिन ईसा के प्रवर्तक जो थे ईसा मसीह, वह पैदा हुए थे, इसीलिए क्रिसमस का त्यौहार उनके जन्मदिन के अवसर पर वो मनाया जाता है। ईसा मसीह जी की याद में वो त्यौहार मनाया जाता है क्योंकि ईसा के प्रवर्तक क्रिश्चियन जो थे, ईसा मसीह जो थे, वो 25 दिसंबर वाले दिन पैदा हुए थे। और उस दिन सब लोग केक खाते हैं, केक एक दूसरे घर उपहार देते हैं और बहुत आनंद उठाते हैं। तो बच्चों, अभी हमने क्या किए, हमने इनके प्रश्नों के उत्तर दिए और इसके साथ हमारा ये आज का जो पाठ था, पाठ 5 यही समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ आप इस पाठ के माध्यम से आपने अपने देश के त्योहारों के बारे में जानना होगा। आभार।